और अब आपको बराए रास्त लिए चले निगरान सूबाई वजीर सनअत और तजारत SM तनवीर की मीडिया से ब्रीफिंग। और जितने भी ट्रेडर्स हजरात होते हैं, जो दुकानदार हजरात होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको बहुत ही सस्ते रेट पे जगह दी जाती है। उसमें बिजली का बिल भी नहीं चार्ज किया जाता, सफाई के पैसे भी नहीं चार्ज किए जाते और सिक्योरिटी के भी पैसे नहीं चार्ज किए जाते। तो उससे जब उनकी कॉस्ट सस्ती हो जाती है और टर्नओवर बढ़ जाता है, सारी बात, एक चीज़ सस्ती मिलती है तो उसका टर्नओवर भी बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा उनका टर्नओवर बढ़ता है तो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं वो। तो वो जो DC हजरात जो जो रेट निकालते हैं, कंट्रोल प्राइस जो निकाली जाती है, उस प्राइस पे फिर आम आवाम को ये सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है सामान। नहीं, मेरे डिपार्टमेंट में तो ये मॉडल बाजार आता है और मॉडल बाजार को ही कंट्रोल किया जा रहा है। जो प्राइवेटली जो लोग इसको चला रहे हैं और जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर है। ये सस्ता भी दे रहा है तो इसको गवर्नमेंट एक सिस्टम के थ्रू सब्सिडाइज कर रही है। आपको गवर्नमेंट एक सब्सिडी के एक इनको पैसे भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये दुकानें सस्ते रेट पे दी जाती हैं और इसको लेके चला जाता है। मॉडल बाजार में सब्सिडी और मजीद तो नहीं दी जाएगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे, हमें सब्सिडी दे, हम वहां तक रिलीफ हो जाए। लेकिन अभी जो अपना मिल रहा है ना, वो अब भी काफी है कि अपना दुकानदार आता है, उसे सवाए अपनी दुकान के और कोई उसने सफाई नहीं करनी, कोई उसने मेंटेनेंस नहीं करनी, मैनेजमेंट सारी फ्री है, उसे दुकान लगानी है।